नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि एमपी के युवाओं के लिए सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। 22,000 शिक्षकों को आज सरकार ने नियुक्ति पत्र सौंपा है। इस साल 1,00,000 से अधिक पदों पर भर्ती करने का लक्ष्य रखा है। वो 15 महीने का दुर्व्यवस्था का जो दौर था, जो दिग्विजय सिंह के इशारों में सरकार चलती थी, जिसमें सिर्फ सपने दिखाए जाते थे, छल किया जाता था, उसको भाजपा की सरकार ने सुधार किया है। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की अब जमीन नहीं बची है, किसी को भी जुबानी मुख्यमंत्री बना रहे हैं। कांग्रेस के लोग दिन भर झूठ बोलते हैं, भ्रम फैलाते हैं, कर्मचारियों को धमकी देते हैं कि हम आ रहे हैं। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री जी का हम अभिनंदन करते हैं और जिस प्रकार से तरसा तरसा कर सैलरी देने का जो प्रयास मिस्टर कमलनाथ, जो दुरावस्था के दौर की सरकार थी, जो मिस्टर बंडाधार के इशारे पर चलती थी, आज एक ऐतिहासिक कदम उन शिक्षकों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उठाया है। इसलिए आज इस दिशा में मध्य प्रदेश के अंदर स्कूल शिक्षा विभाग का बजट, इस अमृत काल का जो बजट है स्कूली शिक्षा विभाग का, 2003 में जब श्रीमान बंटाधार दिग्विजय सिंह की सरकार थी, उस समय 2003 में स्कूल शिक्षा विभाग का बजट मात्र 1,860 करोड़ था, आज बढ़कर 31,600 करोड़ रुपए जो हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विजन अपने स्कूली शिक्षा विभाग के लिए। सीएम राइज स्कूल, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर प्रत्येक ब्लॉक में नए शिक्षा के नए तीर्थ के रूप में विकसित करने का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हिंदी माध्यम, अंग्रेजी माध्यम, दोनों माध्यमों के अंदर अगर कोई जो कॉन्वेंट में जिस प्रकार से फीस और अलग अलग प्रकार से चीज़ों के कारण जो गरीब छात्र है, गरीब परिवार का अगर बेटा और बेटी है, तो उसे भी कॉन्वेंट से अच्छी शिक्षा और सुविधा मिल सके, ये सीएम राइज स्कूल आज इस दिशा में कदम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक 370 से अधिक सर्व सुविधा संपन्न स्कूल प्रारंभ हुए हैं और इस साल 150 से अधिक और स्कूल अभी प्रारंभ होंगे। चिंक्स आकांक्षी योजना के माध्यम से भी मध्य प्रदेश में प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं नीट, क्लैट और IIT जैसी परीक्षाओं में प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। शालाओं में 5वीं और 8वीं की परीक्षा बोर्ड पैटर्न पर हमने सफलतापूर्वक आयोजित किए हैं। इस प्रकार से आज स्कूल शिक्षा विभाग में और एजुकेशन के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक कदम उठाने का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। आज मैं पुनः उन शिक्षकों को, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद, उनको बधाई देता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आज मध्य प्रदेश को जिस प्रकार से उन्होंने कहा और मध्य प्रदेश जो छलांग लगा रहा है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का पुनः हार्दिक आभार करता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी संगठन के काम की दृष्टि से भी आज हम कह सकते हैं कि पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने बूथ सशक्तिकरण का अभियान लिया है। आज हमारे राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री आदरणीय शिवप्रकाश जी जो बूथ सशक्तिकरण अभियान के पूरे देश के इंचार्ज हैं, उन्होंने आज ट्वीट करते हुए कहा, मैं उनका भी हृदय से धन्यवाद करता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के हमारी बूथ प्रबंधन की टीम से लेकर सभी पदाधिकारियों को, प्रत्येक बूथ के कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष, महामंत्री, BLA, बूथ समिति से लेकर के पन्ना प्रमुख, पन्ना समिति तक, आज मैं उन्हें इस बात के लिए बधाई देता हूं कि 64,100 बूथों में से आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश 63,005 बूथ अध्यक्ष, 61,407 महामंत्री, 60,407 BLA और हमारी बूथ की अपेक्षित जो श्रेणी थी उसमें 7,05,100 लोग अपेक्षित थे कि जो डिजिटली उसमें बंद करके तैयार होने थे। आज मुझे गर्व है कि बूथ समिति में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रयासों से जंप करते हुए 7,00,000 से 9,07,530 डिजिटली ऑनलाइन उन कार्यकर्ताओं को फीड करते हुए उस दिशा में ये गठन करने का प्रयास सफलतापूर्वक भारतीय जनता पार्टी के हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं ने किया है।
अपेक्षित पन्ना प्रमुख हमारे 9,62,111 थे, लेकिन मध्य प्रदेश ने एक कदम आगे बढ़ाया देश के अंदर कि हम अर्ध पन्ना प्रमुख बनाएंगे। तो जो 9,62,111 अपेक्षित थे, आप कभी मीडिया के मित्रों को, मुझे तो लगता है कि एक बार ये प्रेजेंटेशन देना चाहिए कि हमने किस प्रकार से कितनी इन्फॉर्मेशन के साथ पन्ना प्रमुख का गठन किया है। इपिक नंबर से लेकर, वोटर आईडी के नंबर से लेकर के सारी चीज़ें, और भी उसके जो इन्फॉर्मेशन व्यक्ति के बारे में हैं, वो सारी चीज़ें हमने बूथ पर पन्ना प्रमुख के नाते से जो डिजिटली उसे अपलोड किया है। आज मुझे बताने में गर्व है कि 9,62,111 से आज हम अर्ध पन्ना प्रमुख की हमने जो कल्पना की 11,38,720 अभी तक डिजिटली हम इस काम को करने में सफल हुए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक कदम मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए 22,461 शिक्षकों की नवीन नियुक्ति के जो आदेश आज जारी किए हैं, जिसके अंतर्गत 11,885 स्कूल शिक्षा विभाग में और शेष 10,576 शिक्षक जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत नियुक्त किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वो करती है, और 1,00,000 पदों पर नौजवानों को, युवाओं को अवसर देने का जो संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने में एक प्रभावी कदम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो किया है, और आज हमारे लिए गर्व और गौरव का विषय है कि भारत के नहीं दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज इस कार्यक्रम में वर्चुअली उनका संदेश उन सभी शिक्षकों को जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश की प्रशंसा करते हुए कहा कि एमपी ने बड़ी छलांग लगाई है, मध्य प्रदेश में युवाओं को सरकारी नौकरी देने का अभियान तेज गति से चल रहा है, 22,400 से ज़्यादा युवाओं के शिक्षक की पद पर भर्ती आज हुई है, आज अनेक युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं, कुल नई भर्तियों में से आधे शिक्षक आदिवासी इलाकों से भर्ती हुए। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संदेश में जो कहा, और खुशी है कि मध्य प्रदेश सरकार ने इस साल 1,00,000 से अधिक सरकारी पदों पर भर्ती करने का जो लक्ष्य रखा है, साल के अंत तक 60,000 से ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति का भी लक्ष्य है। इसी प्रयास में मध्य प्रदेश ने नेशनल अचीवमेंट सर्वे में एमपी ने बड़ी छलांग लगाई है, एमपी का स्थान जो 17वें नंबर पर था आज देश के अंदर 5वें नंबर पर पहुंचा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत हृदय से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की ओर से उनका हम धन्यवाद करते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारी सरकार को, पूरे नेतृत्व को इस बात के लिए मैं बधाई देता हूँ कि जिस प्रकार से नेशनल अचीवमेंट्स सर्वे में मध्य प्रदेश 17 से 5वें स्थान पर पहुँचा, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी बधाई की पात्र है। इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।